नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रांची समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले दो दिनों के दौरान बरसात के कारण मौसम में परिवर्तन हुआ है। कई जगहों पर फसलें खराब हुई तो कई जगहों पर फसलों को फायदा भी मिला है। तो अब कैसा रहेगा पूरे झारखंड का मौसम, अगर आप भी लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत पूरे झारखंड के किसी भी जिले, गांव, शहर में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप झारखंड के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं। तो दोस्तों, मौसम विभाग की मान तो पूरे झारखंड के मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के कई जिलों में ओले पड़ने की आशंका है और इसी के साथ दक्षिण मध्य भागों में स्थित ओले पड़ने की आशंका है। इसका असर पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, रांची, खूंटी, गुमला जिलों पर पड़ते हुए नजर आ सकता है। साथ में मौसम विभाग की मान तो यहां पर दोस्तों तेज हवाओं के साथ कल रात से परिवर्तन भी अधिक से अधिक देखने को मिला, उतार चढ़ाव भी जारी रहा और मौसम विभाग की मान तो बोकारो जिलों में आज सुबह से घना कोहरा देखने को मिल रहा है, बादल भी है। मौसम विभाग के अनुसार बरसात की संभावना भी है और न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम 26 डिग्री भी रह सकता है। वही दोस्तों, रांची समेत तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। पश्चिम विक्षोभ के कारण झारखंड का मौसम मिजाज बदल गया है। पिछले तीन दिनों के दौरान झारखंड में हुई बरसात के कारण आसमान में बादलों का घेरा देखने को मिला। वहीं राज्य भर में गरज चमक के साथ बरसात हुई। राजधानी रांची के मांडर, चानो, नगड़ी, ओरमांझी, मनगढ़ा समेत कई प्रखंडों में जो है ना तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि के साथ रबी की फसलों को खास कर सब्जियों पर पूरी तरह से असर पड़ा है। वही दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो अब ज्यादातर इलाकों पर मौसम साफ हुआ है। वज्रपात की संभावना काफी ज्यादा कम जताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 17, 18, 19 तारीख को एक और पहाड़ों पर होने वाले बर्फबारी के साथ पश्चिम विक्षोभ दोस्तों जो एक्टिव होगा, जिसका असर देश के विभिन्न राज्यों पर पड़ेगा। ऐसे में अगर झारखंड को लेकर कोई बड़ी अपडेट आती है तो मैं आप सभी को बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक दो दिन के बाद पश्चिम विक्षोभ अब दोस्तों कमजोर पड़ा है और यहाँ पर झारखंड में तेज हवाओं के साथ परिवर्तन भी है। मौसम विभाग की मान तो जामताड़ा और बोकारो, खूंटी, धनबाद, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम जिले में मेघ गर्जना के साथ हल्की बरसात की संभावना है। 17 फरवरी से एक नया पश्चिम विक्षोभ बनेगा, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है। इस पश्चिम विक्षोभ के असर के कारण राज्यों पर असर देखने को मिलेगा और अगले 24 घंटों में झारखंड में विशेष परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन 17 तारीख के बाद कोहरा छाए रहने के बाद मौसम बदलते हुए नजर आएगा। राजधानी रांची समेत यहां पर मौसम बदला है और धनबाद, देवघर, लातेहार, गिरिडीह और लोहरदगा में घना कोहरे की संभावना है। वही घने कोहरे के चादर से बोकारो लिपटा हुआ है। बोकारो में कुहासा के कारण कोहरा और काफी ज्यादा जगहों पर चादर देखने को मिल रही है। वही दोस्तों, सामने वाली गाड़ी तक दिखाई नहीं दे रही, इतना ज्यादा कोहरा वापस से देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम में काफी भारी परिवर्तन हुआ है। उसके बाद मौसम में हलचल और उतार चढ़ाव के साथ बदलाव भी कई जगहों पर देखने को मिला है। लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा समेत आसपास के इलाकों पर मौसम में ठंडक है, परिवर्तन भी आया है, कई जगहों पर तापमान में गिरावट आई है। इसी के साथ दोस्तों, बोकारो में कोहरा काफी अधिक से अधिक मात्रा में रिकॉर्ड किया जा रहा है, उतार चढ़ाव जारी है और झारखंड में तेज हवाओं के साथ परिवर्तन भी है। लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग समेत अगर आप किसी भी जिले, गाँव या शहर में रहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताना आपके यहाँ पर मौसम में ठंडक और पिछले दो दिन के दौरान बरसात की गतिविधि देखने को मिली कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। विभिन्न हिस्सों में बूंदाबूंदी के साथ मौसम बदला है। कल शाम से दोस्तों जो है ना, सोमवार की शाम से मौसम और देर रात तक कई जगहों पर सिस्टम नजदीक आने के साथ ही कई जगहों पर बूंदाबूंदी के साथ मौसम बदला है। अब दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में और भी ज्यादा हलचल और परिवर्तन होगा। झारखंड में इसका असर भी है, हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात भी होगी, उतार चढ़ाव जारी और पश्चिम विक्षोभ का असर कई जगहों पर कम में देखने को मिल सकता है। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, मध्य के निकटवर्ती हिस्सों में मौसम बदलेगा। रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला और खूंटी समेत कई जगहों पर परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी है और चार जिलों में दोस्तों मौसम में बदलाव है, तो कई जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा और इसी दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ और भी ज्यादा हलचल और बदलाव रहने के साथ परिवर्तन भी होगा। वही दोस्तों, यहां पर काफी ज्यादा जगहों पर बताया जा रहा है कि लोहरदगा के आसपास के इलाकों के साथ साथ पूरे के पूरे झारखंड के ज्यादातर इलाकों पर तीन दिन गुरुवार तक बूंदाबूंदी के साथ मौसम में ठंडक भी रहेगी, मौसम मिला जुला भी रहेगा और परिवर्तन होने के साथ और भी ज्यादा बदलाव आते हुए नजर आ सकता है। आप झारखंड के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं और आपके यहां पर बरसात की गतिविधि देखने को मिली कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वही दोस्तों, एक एक जिले की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोहरदगा में 14, 15, 16 रात के समय, दिन में 20, 21 तीन दिन बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। मौसम में ठंडक भी रहेगा, उतार चढ़ाव भी जारी और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहां पर लातेहार में 16, 17 रात के समय तो दिन में 21 के आसपास तापमान रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे, बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। मौसम ठंडा सोना भी रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है।
वही दोस्तों यहाँ पर कोडरमा में बादल उतार चढ़ाव जारी है। तीन दिनों से जो है ना काफी ज्यादा जगहों पर बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। खूंटी की बात करें तो खूंटी में 16-17 रात के समय तो दिन के समय 22 के आसपास तापमान रहेगा। तीन दिन बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अलर्ट भी जताया जा रहा है, उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। जामताड़ा की बात करें तो 18-19-20 रात के समय दिन में 24-25 तीन दिन बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन, मौसम मिला जुला रहेगा और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा। हजारीबाग में 16-17 रात के समय दिन में 20-21 बादल छाए रहेंगे। उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट जताया जा रहा है। गुमला की बात करें तो 16-17-18 रात के समय दिन में 21-22 के करीब तापमान रहेगा। बादल भी छाए रहेंगे। उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ मौसम ठंडा सुहाना और मौसम मिला जुला भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों पूरे गोड्डा में 18-19-20 रात के समय दिन में 24-25 बादल भी छाए रहेंगे। उतार चढ़ाव भी जारी है। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक के साथ बदलाव होगा और परिवर्तन होने के साथ और भी ज्यादा ठंडा और सुहाना देखने को मिलेगा। गिरिडीह में 18-19-20 रात के समय दिन में 23-24 बादल छाए रहेंगे। उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन देखने को मिलेगा और बादलों की वजह के साथ मौसम काफी मिला जुला रहेगा। गढ़वा में 17-18-19 रात के समय दिन में 23-24 बादल छाए रहेंगे। उतार चढ़ाव जारी। तीन दिन बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है और मौसम में परिवर्तन होते हुए भी जरूर देखने को मिलेगा। पूर्वी सिंहभूम में 18-19-20-21 रात के समय दिन में 30-31 गुरुवार तक हल्की बूंदाबूंदी बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट। मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। दुमका में 19-20-21 रात के समय तो दिन के समय 24-25 तीन दिन बादल छाए रहेंगे। मौसम में बदलाव भी होगा, उतार चढ़ाव भी जारी रहेगा और यहाँ पर कुछ जगहों पर देख सकते हैं यहाँ पर खास करके बुधवार गुरुवार को 24-26-25-26-27 के करीब तापमान रहेगा। बादल भी छाए रहेंगे। बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट भी और मौसम ठंडा सोना रहने के साथ और भी ज्यादा हलचल और परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की माने तो जो है ना यहाँ पर धनबाद में 18-19-20 रात के समय दिन में 23-24 बादल भी छाए रहेंगे। उतार चढ़ाव भी जारी है। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम ठंडा सोना रहेगा और बादलों की वजह के साथ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों यहाँ पर पूरे के पूरे जो है देवघर में 18-19-20 रात के समय दिन में 23-24 बादल भी छाए रहेंगे। उतार चढ़ाव भी जारी है। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला ठंडा सोना भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफी ज्यादा जगहों पर परिवर्तन है। बोकारो की बात करें तो 17-18 रात के समय तो दिन के समय मौसम में बदलाव, उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम ठंडा सोना भी रहेगा और बादलों की वजह के साथ मौसम काफी मिला जुला रहने के आसार भी अधिक से अधिक जगहों पर देखने को मिलेगा। और गुरुवार तक 26-27-28 के करीब भले ही तापमान रहेगा और बरसात को लेकर अलर्ट भी कई हिस्सों में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों विभिन्न हिस्सों में जो ना मौसम विभाग की मान तो चतरा में 16-17 रात के समय तो दिन के समय 22 के आसपास तापमान रहेगा। बादल छाए रहेंगे। उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम ठंडा सोना रहेगा। वही दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा जगहों पर मौसम में हलचल के साथ गुरुवार शुक्रवार को मौसम ठंडा सोना रहने के आसार भी है। सिमडेगा में 16-17-18 रात के समय तो दिन के समय 27-28 के करीब तापमान रहेगा। बादल छाए रहेंगे। उतार चढ़ाव जारी। तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और मौसम ठंडा सोना रहेगा और मौसम मिला जुला रहने के आसार भी कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। खरसावां की बात करें तो 18-19-20 रात के समय तो दिन के समय 29-30 के करीब तापमान रहेगा। बादल भी छाए रहेंगे। बरसात की गतिविधियों को लेकर अलर्ट है। मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी है और मौसम में बदलाव होते भी नजर आ रहा है। कुछ कुछ इलाकों पर और भी ज्यादा ठंडा सोना देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों पूरे के पूरे जो ना सरायकेला में रात के समय 19-20 तो दिन के समय 28-29 के करीब तापमान रहेगा। बादल भी छाए रहेंगे। बरसात की गतिविधियां जारी है। मौसम मिला जुला भी रहेगा, परिवर्तन भी जारी है। तेज हवाओं के साथ मौसम ठंडा सोना रहेगा। साहिबगंज में 18-19-20 रात के समय दिन में 26-27 बादल छाए रहेंगे। उतार चढ़ाव जारी है। मौसम में ठंडक और परिवर्तन जारी रहेगा और ज्यादातर इलाकों पर बदलाव होने के साथ मौसम ठंडा सोना रहने के आसार है। राजधानी रांची की बात की जाए तो 15-16 रात के समय दिन में 22-23 बादल छाए रहेंगे। उतार चढ़ाव जारी है। तेज हवाओं के साथ मौसम में ठंडक और परिवर्तन देखने को मिलेगा और बादलों के वजह के साथ कुछ कुछ हिस्सों में बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेगी।